सनातन महर्षि वाल्मीकि ध्यान आश्रम स्थित यमुना के निकट पिता स्वर्गीय ओम बिरला गिरिज महंत के सपनों को साकार करते हुए होनहार पुत्रों द्वारा भगवान महर्षि वाल्मीकि की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। इस शुभ अवसर पर कैबिनेट उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा माल्यार्पण कर प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। सनातन महर्षि वाल्मीकि ध्यान आश्रम स्थित यमुना के निकट पिता स्वर्गीय ओम बिरला गिरिज महंत के सपनों को साकार करते हुए होनहार पुत्रों द्वारा भगवान महर्षि वाल्मीकि की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। बताया जाता है कि श्रमिक नेता रूपचंद जी स्मृति में उनके सुपुत्र सनातन महर्षि वाल्मीकि ध्यान आश्रम के संस्थापक स्वर्गीय पुरेश्वर गिरिज उर्फ ओम बिरला महंत ने अपने पिता की यादगार हेतु अपने जीवन काल में भगवान महर्षि वाल्मीकि की भव्य सुंदर प्रतिमा आश्रम में स्थापित हेतु तैयार की जा रही थी, परंतु कोरोना काल में महंत ओम बिरला गिरिज जी का निधन होने के कारण उनका यह सपना उनके जीवन में पूरा ना हो सका। वर्तमान काल में उनके होनहार पुत्र अर्जुन गिरिज, जीतू गिरिज व करण सिंह, माता साध्वी सुनीता देवी एवं परिवारी जनों ने आश्रम में अपने पिता के सपनों को साकार करते हुए जो जयपुर में निर्माणाधीन भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा थी उसको स्थापित करते हुए अपने पिता के सपनों को साकार किया। वहीं सनातन धर्म को बढ़ावा देने हेतु हिंदू समाज को संगठित होकर पूजा अर्चना करने का संदेश दिया। आश्रम के संस्थापक ओम बिरला गिरिज महंत जी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्र अर्जुन गिरिज, भाजपा मीडिया प्रभारी अनुसूचित मोर्चा एवं जितेंद्र गिरिज, करण सिंह गिरिज, आश्रम ट्रस्ट गिरिज परिवार द्वारा यह मूर्ति अनावरण कर अधूरे सपनों को पूरा किया। वहीं महायज्ञ कर भगवान महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर स्वर्गीय महंत ओम बिरला गिरिज जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नेता ही बताया आज भव्य प्रतिमा का अनावरण किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उस पवित्र आत्मा को बार बार वंदन व नमन करता हूँ जिसने ये धरती को अपने कठिन प्रयासों से बनाया, उस पवित्र धरती को देवलोक बनाया और ऐसा देवलोक बनाने का उन्होंने सपने देखा कि जमुना किनारा जहाँ सुबह उठते हैं तो हमें जमुना मैया के दर्शन होते हैं और ऐसी पवित्र भूमि पर भगवान महर्षि वाल्मीकि की भव्य प्रतिमा 5.5 फुट की उनके द्वारा बनाई गई, मतलब लगभग 1 वर्ष पहले उनकी अस्मत कोरोना काल के अंदर मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद वो उनका अधूरा सपना आज मैं उनका पुत्र अर्जुन गिरिज और मेरा छोटा भाई करण गिरिज और मेरे परिवारजन सबके सहयोग से और मेरे सभी सामाजिक लोगों की सहयोग से आज मैं इस भव्य मूर्ति का अनावरण माननीय कैबिनेट मंत्री द्वारा मैं करवा सका हूँ और उनके सपनों को मैंने माननीय फुलेश्वर गिरिज जी मेरे स्वर्गीय पिता है उनके सपनों को मैंने पूरा करने का काम किया है और जो उन्होंने सपने देखे थे इस देवलोक धरती के, क्योंकि ये जमुना किनारा है, यहाँ पर एक पक्का घाट बनवाने के लिए भी उन्होंने सपना देखा था, यहाँ पर एक भव्य हॉल की सपना देखा था कि भगवान महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हो, इससे पहले इन्होंने नाम रखा था सनातन महर्षि वाल्मीकि ध्यान आश्रम, यहाँ पर लोग आए और अपना ध्यान करें, स्मरण करें। और इस अवसर पर कैबिनेट उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा माल्यार्पण कर लोकार्पण किया गया। वहीं मंत्री ने अपने विचारों से संबोधित करते हुए भगवान महर्षि वाल्मीकि के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह धार्मिक स्थल यमुना तट के किनारे है, यहां से पर्यटकों का आगमन ताजमहल देखने वालों का होता है। यहां आपने भगवान महर्षि वाल्मीकि की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है, बहुत अच्छा प्रयास है। यह स्थल भगवान महर्षि वाल्मीकि पर्यटक स्थल विकसित होना चाहिए, ऐसा प्रयास करने वाले आश्रम के संस्थापक स्वर्गीय ओम बिरला गिरिज महंत को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने यह विशाल भव्य सुंदर प्रतिमा बनवाई थी। उनके पुत्रों एवं परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि ऐतिहासिक प्रतिमा अपने अनावरण की, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ आज अनावरण हुआ है महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का, तो इस उपलक्ष्य में आप यहाँ क्या कहना चाहेंगे मीडिया के समक्ष? महर्षि वाल्मीकि जी ने इस समाज को नई दिशा दी और राम से परिचय महर्षि वाल्मीकि जी ने समाज को कराया, उनको स्मरण करती है पूरी सृष्टि और आज भी उनको स्मरण किया जाता है, इसी बात का प्रतीक है कि वो कितने महान थे और जिन्होंने न सिर्फ राम के व्यक्तित्व से परिचय कराया बल्कि लव कुश को उनके पुत्रों को भी राम से परिचय कराया। ऐसे महान व्यक्ति के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना, श्रद्धा से नवत होना, ये हर एक का कर्तव्य है, मैं भी उसमें एक सहभागी। समाज को जो महर्षि वाल्मीकि जी से मिला है
उसके विषय में आप थोड़ा समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे कि हमें इस तरीके से क्या लोगों का आचरण करना चाहिए उनके हिसाब से? देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी ने जो कुछ दिया है समाज को, राम के चरित्र को दिया, राम के चरित्र में सा जो है पिता पुत्र का संबंध कैसा हो, माता बेटे का संबंध कैसा हो, पति पत्नी का संबंध कैसा हो, यहाँ की दुश्मन से भी संबंध कैसे निभाया जाए, यह भी उसमें बताया गया है। तो अपने आप में आदर्श समाज कैसा हो, जब उन्होंने राम के चरित्र से बताया है तो उसके उसने महान कृति है उनकी, उसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि इस कृति के जो रचयिता है वो तो श्रद्धे अपने आप ही हो गए। भगवान महर्षि वाल्मीकि यमुना तट के किनारे भव्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में कई प्रांतों प्रदेशों से हजारों की संख्या में सनातन प्रेमी उपस्थित रहे।